नमस्कार दोस्तों, माइंड इन ब्लॉक्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम एक अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं एक होम थिएटर का, जिसे मैंने ऑर्डर किया था अमेजोन से, और देखते हैं कि ये कैसा है और उसकी क्वालिटी क्या है। वो सारी चीजें हम आपसे शेयर करते हैं और ये दिखने में कैसा है उसे यूज करके भी थोड़ा सा हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है 5600 वाट PMPO का एक होम थिएटर। यह 2.1 है कंप्यूटर मल्टीमीडिया स्पीकर, मतलब कंप्यूटर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लूटूथ भी है इसमें। और इसको मैंने इसलिए परचेज किया है क्योंकि इसकी लाइटिंग जो है बहुत अच्छी लगती है मुझे, LED लाइटिंग है, बहुत ही अच्छा है ये, मतलब दिखने में है। और यहाँ पर इसका एक डिस्प्ले है जो कि हमें ये बताता है कि ये ब्लूटूथ मोड है या फिर ये ऑक्स मोड है या फिर USB मोड है। इसमें साथ साथ में एक रिमोट भी दिया गया है और ये दो स्पीकर हैं जो कि राइट और लेफ्ट, और ये बेस है आपका। तो दोस्तों इसको हम ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसकी कैसी क्वालिटी है, कैसा क्या। और इसको रखते हैं बाहर। इसके साथ में एक नॉर्मल सा ऐसे सेल दिया हुआ है, और ये नॉर्मल सा सेल है इसका। और इसके साथ में एक रिमोट दिया हुआ है FND का, जो कि बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसे मैं पहले भी इस्तेमाल कर चुका हूं और मेरे भाई के पास था, तो ये बहुत ही प्यारा बजता है और ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो इसको मैं रखता हूं अलग। और इसमें ये कुछ यूजर मैनुअल दिया हुआ है इसे कैसे इस्तेमाल करना है, तो बाकी चीजें तो मुझे पता ही, इसको रखता हूं अलग। फिर इसका ये लेफ्ट स्पीकर और ये है राइट स्पीकर। इसके ऊपर एक ब्रांडिंग दी हुई है जिसमें ये लिखा हुआ है NFC है इसमें, और USB के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं, SD कार्ड रीडर है, और ये रिमोट कंट्रोल्ड भी है और ये ब्लूटूथ वाला ही है, आप अपने फोन से कनेक्ट करके आसानी से इसे बजा सकते हैं। एक तरफ ये दिया हुआ है, यहाँ से आप मैनुअल ऑन कर सकते हैं, ब्लूटूथ से इसे यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट वन टच ब्लूटूथ है। और यहाँ से जो सोर्स है इससे आप मल्टीपल तरह के, आप इसमें जैसे कि USB के थ्रू या फिर और SD कार्ड के थ्रू या फिर कई तरीकों से इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें FM रेडियो भी है, और यहाँ से गाने नेक्स्ट और चैनल नेक्स्ट होते हैं, वॉल्यूम और जो है ये वॉल्यूम घटा और बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गई इसकी क्वालिटी। इसके साथ साथ में एक ये TV से कनेक्ट करने के लिए इसे एक AV लीड दी हुई है जिसे आप TV से अपने आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं और इसे यूज कर सकते हैं। ये हो गया। साथ साथ में फोन से कनेक्ट करने के लिए या फिर टीवी में अगर कोई 3.5mm जैक है तो उसे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, एक तरफ AV और दूसरी तरफ 3.5mm जैक। तो ये हो गया। साथ में इसका एक एंटीना लगा हुआ है, और पीछे जो आपको पीछे का जो सेक्शन है इसमें ऑन और ऑफ का ये पावर बटन दिया हुआ है यहाँ से भी, और साथ में ये इनपुट ऑडियो इनपुट और ऑडियो आउटपुट भी है, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट। बेस है और ये ट्रबल है जिसे हम घटा बढ़ा सकते हैं आसानी से, अपने अकॉर्डिंग इसे सेट कर सकते हैं। ये हो गया। साथ में ये LED दी हुई है, इधर LED इधर लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है, जो कि अभी जलेगा तो आपको दिखेगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस रिमोट को इसमें इंटर करते हैं और देखते हैं कि ये कैसा है। जैसा कि देख रहे हैं इसकी LED ऑन हो गई है। चेंज करेंगे इसे हम ब्लूटूथ मोड पे करेंगे। ब्लूटूथ का इसमें बटन है, यहीं से आप चेंज कर सकते हो। तो ब्लूटूथ पे कर दिए और लाइट्स जला सकते हैं और बंद कर सकते हैं, यहाँ से आप जला दीजिए और बंद कर दीजिए। हम जलाए रखते हैं क्योंकि जलाने से ज्यादा अच्छा लगता है। फोन में आपके फेंडा 5F550X करके आ जाएगा, उस पर आप क्लिक करिए, पेयर पे आएगा, आपके पेयर पे कर दीजिए, कनेक्टेड हो गया। अब ये डिवाइस कनेक्टेड हो गया
और इसमें ब्लूटूथ पे ये 15 पे वॉइस है, 15 नंबर पे वॉइस है इसकी, और मैं इस पे कोई गाना प्ले करता हूँ, देखते हैं कैसी है इसकी वॉइस। बहुत है और बहुत ही लाउड है, बहुत ही अच्छा बजता है। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि ये आप अगर होम थिएटर के लिए, मतलब घर के लिए यूज के लिए लेते हैं, एक रूम के लिए जिसका लगभग 150 स्क्वायर फीट के लिए बहुत ही परफेक्ट रहेगा। अगर 150 स्क्वायर फीट का अगर आपका रूम है, आपका सेटअप है, तो ये बहुत अच्छा रहेगा उस रूम के लिए। बहुत अच्छी वॉइस है, इसकी वॉइस क्वालिटी है। चाहे फोन से आप इस्तेमाल करिए या फिर होम कोई टीवी पे इस्तेमाल करिए या कंप्यूटर पे, तो उसके लिए बहुत ही परफेक्ट है और ये बहुत अच्छा है। अगर आपको इसे बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, जाकर के वहीं से आप इसे बाय कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए।